रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन जंग में अब आर पार के मूड में है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रही मदद से जंग लगातार लंबी खींच गई है। इससे भड़के पुतिन ने अब अपने सहयोगियों की मदद लेनी शुरू कर दी है। इससे यूक्रेन और उसके दोस्त अमेरिका तक में खलबली मच गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तो दावा कर दिया है कि नॉर्थ कोरिया के 10,000 जवान रूस की सेना में शामिल होने जा रहे हैं। ये सभी सैनिक यूक्रेन से हो रही लड़ाई में रूस के लिए लड़ेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि ये सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि सभी के लिए हानिकारक हो सकता है। जेलेंस्की ने कहा कि वे उन देशों से कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं जिन्होंने माना कि उत्तर कोरिया रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल हो रहा है। जेलेंस्की ने अपने दावे की पुष्टि के लिए कई वीडियो का भी हवाला दिया जिसमें उत्तर कोरिया रूस को न सिर्फ सैन्य साजो सामान भेज रहा है बल्कि तैनाती के लिए तैयार रहने के लिए सैनिक भी भेज रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि दुर्भाग्य से उत्तर कोरिया के आधुनिक युद्ध के लिए ट्रेनिंग होने के बाद अस्थिरता और खतरा काफी बढ़ सकता है। जेलेंस्की ने आगे कहा कि अगर दुनिया अब भी चुप रहती है हमें उत्तर कोरिया के सैनिकों से उसी तरह से फ्रंट लाइन पर भिड़ना पड़ता है जिस तरह से हमें ईरान के शाहिद ड्रोन से खुद को बचाना पड़ा, तो इससे निश्चित रूप से दुनिया में किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा। इससे युद्ध और लंबा खींचेगा। उत्तर कोरिया की हरकतों का मतलब है कि वास्तव में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में एक और देश की सीधी एंट्री। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही जेलेंस्की ने उत्तर कोरिया और रूस की बढ़ती नजदीकियों पर चिंता जताई थी। दावा है कि नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को रूस भेजने से पहले खुद तानाशाह किम जोंग उनकी निगरानी में ट्रेनिंग पूरी हुई थी। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में और ज्यादा उत्तर कोरियाई सैनिक रूस भेजे जाएंगे। ऐसी अटकलें हैं कि कुल 12,000 सैनिकों को रूस भेजे जाने की योजना है। खास बात है कि रूस ने अब तक यूक्रेन में अपनी पूरी सैन्य ताकत से हमला नहीं किया है। हालांकि उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती उकसाने भरी मानी जा रही है। इससे जंग के और खतरनाक होने का खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने खबर लगते ही इस पर तीखी प्रतिक्रिया देकर अपने पक्ष में कई देशों को लाना शुरू कर दिया है। दावा है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने सीक्रेट स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के 1500 कमांडो को व्लादिवोस्तोक शहर भेजा है। सियोल की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के मुताबिक SOF को जल्द ही यूक्रेन से जंग के लिए किसी भी पोस्ट पर तैनात किया जा सकता है। इतना ही नहीं, किम जोंग उन का भरोसेमंद जासूस किम जोंग सिक भी इस समय रूस में है। इससे यूक्रेन में जबरदस्त हलचल मची हुई है। यहाँ गौर करने लायक ये भी है कि रूस उत्तर कोरिया के सैनिक का इस्तेमाल किस तरीके से करता है। इसकी बेहद कम संभावना है कि रूस उत्तर कोरियाई जवानों को फ्रंट लाइन में तैनात कर सकता है। इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता है कि उत्तर कोरिया के सैनिक अपने हथियारों की ट्रेनिंग देकर यूक्रेन में बड़ी तबाही मचा सकते हैं। ऐसे में अगर उत्तर कोरिया के सैनिक वाकई रूसी सेना में शामिल करके उन्हें यूक्रेन में तैनात किया जाता है तो जंग के परिणाम बदल सकते हैं।